दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर और तमाम डिफेंस सर्कल में भारत सरकार से एक बड़ी मांग की जा रही थी, और ये मांग थी तुर्की के खिलाफ सबसे ज्यादा कठोर कदम उठाने की, तुर्की के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक करने की। क्या था ये कदम? दरअसल हुआ ये, जब से कुछ समय पहले भारत ने ऐलान किया कि हम 5 नए युद्धपोत का निर्माण करेंगे जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे। कितने बड़े? दरअसल इनमें से हर एक का डिस्प्लेसमेंट 40,000 टन होने वाला था। उदाहरण के लिए भारत के जो सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, इनका डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन के आसपास है, यानी कि लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज ये वेसल्स होने वाले थे। लेकिन इनका काम क्या था? दरअसल इनका काम था फ्लीट को सपोर्ट करना, मतलब कि जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके ऊपर 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान होते हैं। इसके अलावा वो एक छोटे शहर की तरह होता है। इसमें आप देखिए कितना इनॉर्मस साइज होता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर का। आपको बता दूं कि इसमें एक छोटे शहर जितने लोग भी रहते हैं, क्योंकि कम से कम 100 से ज्यादा तो सिर्फ पायलट होते हैं। इसके अलावा हर एक लड़ाकू विमान को वहां से टेक ऑफ या लैंडिंग करवाने के लिए 3 से लेकर 4 लोगों का क्रू होता है। उनकी देखभाल करने वाले लोग होते हैं, शिप की देखभाल करने वाले लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो उस पर डिफेंस सिस्टम लगे हैं उन्हें मैनेज करते हैं, बहुत सारे कमांडर्स होते हैं। यानी कि देखा जाए तो एक छोटा सा शहर बसा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर पर। लेकिन जब इतने सारे लोग रहते हैं, उनकी रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी उन्हें चाहिए, खाने पीने की चीजें भी लगातार चाहिए होती हैं। इसके अलावा जो लड़ाकू विमान वहां पर तैनात हैं, उनके लिए हथियार, उनके लिए फ्यूल, अन्य प्रकार की तमाम चीजें आपको हर समय अवेलेबल होनी चाहिए। उसी के लिए होती हैं फ्लीट सपोर्ट वेसल्स, यानी कि एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर का भंडार गृह है, जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत की तमाम चीजें उपलब्ध रहती हैं, तेल से लेकर हथियार तक और हथियार से लेकर खाने पीने की तमाम चीजों तक, और एयरक्राफ्ट कैरियर को इनसे लगातार सप्लाई दी जाती है। लेकिन भारत चाहता था हमने जो ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत तैयार किया है, इसकी एंड्योरेंस ज्यादा हो, मतलब कि ये लंबे ऑपरेशन कर सके, ज्यादा दूरी तक जा सके। इसीलिए इनकी जो सपोर्ट वेसल है वो इतने साइज की बनाई जाए जो महीनों का खाना पीना और तेल लेकर चल सके, जिससे कि एयरक्राफ्ट कैरियर या उसकी सपोर्ट वेसल को बार बार भारत आना जाना ना पड़े, महीनों तक वो लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर को सपोर्ट दे सके। इसीलिए हम 5 की संख्या में ये नए सपोर्ट वेसल बनाने जा रहे थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि आज तक हमने इतने इनॉर्मस साइज के सपोर्ट वेसल्स नहीं बनाए थे, हमें एक्सपर्टीज नहीं थी, ना ही हमें एक्सपीरियंस था। इसलिए अब से कुछ दिन पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आने लगी कि भारत ने इस काम के लिए तुर्की की एक शिप बिल्डिंग फर्म को हायर किया है, और ये तुर्की की कंपनी भारत के इन वेसल्स को डिजाइन करेगी और भारत के साथ मिलकर बनाने में मदद भी करेगी। लेकिन तभी से इसको लेकर विरोध होने लगा कि हमें तुर्की जैसे देश की कोई भी मदद नहीं लेनी चाहिए, खासकर की डिफेंस में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनकी कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा डीप है। यहां तक कि इस वक्त तुर्की की कई शिप बिल्डिंग कंपनियां पाकिस्तान की नौसेना के लिए युद्धपोत का निर्माण कर रही हैं, और कई तो बनाकर पाकिस्तानी नौसेना को डिलीवर भी कर चुकी हैं। ऐसे में ऐसी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना हमारे लिए भविष्य में घातक साबित हो सकता है। इसलिए लगातार सोशल मीडिया पर और डिफेंस सर्कल में इस रिपोर्ट को लेकर विरोध हो रहा था। तो खैर, इस विरोध को अब सुन लिया गया है, क्योंकि भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तुर्की की इस कंपनी को भारत के इस प्रोजेक्ट से निकालकर बाहर फेंक दिया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें साफ बताया गया है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने तुर्की की कंपनी के साथ जो अरेंजमेंट था उसे फिलहाल के लिए टर्मिनेट कर दिया है, और अब हम डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक अपनी इन सपोर्ट वेसल का सारा काम खुद ही करने वाले हैं। और ये तुर्की के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ये करीबन 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। इससे तुर्की की कंपनी को 2,500 करोड़ रुपए का मुनाफा होने की पूरी पूरी संभावना थी, लेकिन भारत ने तुर्की की डिफेंस कंपनियों पर ये बड़ी स्ट्राइक करके इन्हें भयंकर नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि जब हमारे एक देश के साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो फिर उन्हें बिना चेक मार्क के कैसे हमारे डिफेंस प्रोग्राम में आने दिया गया? क्या इसके पीछे किसी हथियार लोबी का काम था या फिर दलालों का? जो भी हो, इस पर जांच होनी चाहिए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए।